गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर सब्जेक्ट मैथ्स। हमारा टॉपिक इज 1.15 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो। एडिशन का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर को ऐड करना, प्लस करना, मिलाना। एंड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कम करना, माइनस करना नंबर्स को। एडिशन के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं। और जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो, यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है। पहला उसमें टॉपिक है एडिंग जीरो। दिस इज 50, 50 प्लस जीरो, मतलब कोई भी नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा, बिकॉज जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे 50 प्लस जीरो, तो इनका मतलब होता है इसका आंसर मिलता 50, बिकॉज जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अगेन यू सी 96 प्लस जीरो, तो क्या आएगा आंसर? 96। जैसे अगर हम लोग समझो 96 प्लस 1 करते हैं तो वो कितना हो जाता है? 97। लेकिन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसके लिए सेम नंबर आएगा, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ पे आएगा। नाउ 11 प्लस जीरो, अगेन व्हाट विल कम? जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो एज इट इज 11 आ जाएगा। तो हमारे फर्स्ट टॉपिक की एडिंग जीरो, कोई भी नंबर में जीरो ऐड करना। सेकेंड टॉपिक है सब्ट्रैक्टिंग जीरो। सब्ट्रैक्टिंग यानी माइनस करना, सब्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है? माइनस करना। और जीरो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। 22 में से आप जीरो निकालोगे तो कितना बचेगा? यानी आपने कुछ भी नहीं निकाला उसमें से, तो 22। 57 माइनस जीरो, 57 में से भी आपको जीरो निकालना है, यानी कुछ भी नहीं निकालना है, तो वो हो गया 57। 49 माइनस जीरो, तो 49 में से भी आपको जीरो निकालना, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 49 ही रह जाएगा। तो सेकेंड टॉपिक वो सब्ट्रैक्टिंग जीरो। एडिंग जीरो में भी नंबर जो रहेगा वही रहेगा, सब्ट्रैक्टिंग जीरो में भी नंबर जो है वो वही का वही रहेगा, बिकॉज जीरो की हमारे कोई वैल्यू नहीं होती है। उसमें थर्ड टॉपिक है राइट प्रॉपर नंबर इन बॉक्स। सीधा टॉपिक, राइट प्रॉपर नंबर इन बॉक्स। इसमें कैसा है? सम मिक्स होकर आएंगे आपको, जैसे जीरो प्लस जीरो, जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होती है और जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो में हम जब जीरो प्लस करते हैं तो वो जीरो ही आएगा। अब सिक्स प्लस, आंसर आपको लिखना है सिक्स। यहाँ पे आप क्या प्लस करोगे तो सिक्स आएगा। अगर हम लोग सिक्स में वन प्लस कर देते तो वो कितना हो जाएगा? सेवन। लेकिन आना क्या चाहिए यहाँ पे? सिक्स। तो इसका मतलब है हम लोग सिक्स में जब जीरो ऐड करेंगे तो नंबर यहाँ पे सेम आएगा। सिक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू सिक्स। ये समझ में आया कैसे? यहाँ का नंबर देखो, जब अगर यहाँ पे भी सेम नंबर है, यहाँ पे भी सेम नंबर है, तो इसका मतलब हमको क्या ऐड करना है? जीरो। अगर वन ऐड करेंगे तो यहाँ सेवन बन जाएगा। सेम नंबर लाने के लिए हम लोग जीरो ऐड करते हैं। सिमिलरली सीयर, हियर इट इज 82 और हमारा आंसर भी क्या है? 82। तो क्या माइनस करूँगी मैं, क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी? तो 82 आएगा जीरो। 82 माइनस जीरो इज इक्वल टू 82, क्योंकि अगर मैं 82 में से 1 माइनस कर देती, सपोज या 2 माइनस कर देती, तो 82 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 80। लेकिन हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 82। इसके लिए हम लोग जब सेम नंबर रहेगा इधर और सेम नंबर रहेगा इधर, तो हम लोग क्या माइनस करते हैं उसमें? जीरो। सब्ट्रैक्ट क्या करते? जीरो। तो अब टॉपिक वॉज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो। एडिशन यानी प्लस, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। और सब में आपको क्या करना है? जीरो को ही यूज करना है। प्लस भी जीरो करना है, माइनस भी जीरो करना है। जब हम कोई भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है। कोई भी नंबर में हम जब जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस करते हैं, तब भी सेम नंबर आता है। यहाँ पे जीरो प्लस जीरो, अगर हम लोग जीरो में जीरो मिला रहे हैं तो वो जीरो ही होगा, 1 2 3 कुछ नहीं बनेगा। यहाँ भी सेम नंबर है, आंसर में भी सेम नंबर है, तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? तो सेम आंसर आएगा जीरो। सेम चीज इन द सब्ट्रैक्शन, यहाँ 82 है, आंसर भी 82 है, तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो जीरो, 82 आएगा जीरो। तो सेम नंबर के लिए हम जीरो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज द टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।